अंडे में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। अंडा खाने में हमें कई फायदे भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप एक ही तरह अंडा खाकर परेशान हो गए हैं तो आज हम आपके लिए स्वादिष्ट चिल्ली अंडा की रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं उसे कैसे बनाते हैं। पहले हम अंडा को बॉईल करेंगे, उसे ठंडा करके उसका छिलका निकाल लेंगे और इसे चार पीसेस में या फिर दो पीसेस में काट लेंगे। अंडे को आप कितने पीसेस में काटेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम अंडे को फ्राई करने के लिए एक स्लरी बनाएंगे। तो एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा। अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर अच्छा देता है। अब हम इसमें धीरे 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 करके पानी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे, जैसे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। अब हमारा बिना लम्स वाला स्लरी बनकर तैयार है। अब हम अंडे को फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ कढ़ाई में तेल डाल के उसे गरम कर लिया है। अब हम अंडे को जो पीस में काट के रखे थे उसे स्लरी में डिप करेंगे और गरम तेल में डालते जाएंगे। फ्राई करते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डालने के बाद कढ़ाई से दूर चले जाइएगा, क्योंकि अंडा फ्राई करते समय ये आपके ऊपर चिटक सकता है, इसलिए सावधानी से फ्राई कीजिए। अंडे को दोनों तरफ से लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है और जब गोल्डन हो जाए सावधानी से उसे तेल से निकाल कर एक प्लेट में रख लीजिए। ऐसा करके जितना अंडा है उसको फ्राई कर लीजिए। अंडे को फ्राई करने के बाद आप इसे अंडा पकौड़ा जैसे भी खा सकते हैं। अब हम अंडा चिली बनाएंगे। तो कढ़ाई से 3 चम्मच तेल रखकर एक्स्ट्रा तेल को निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियाँ डालने से चाइनीज डिश का टेस्ट और थोड़ा बढ़ जाता है। यहाँ मैंने प्याज और कैप्सिकम को ऐसे स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। आप चाहे तो आप इसे पतला पतला लंबे लंबे भी काट सकते हैं। अब हम कैप्सिकम और प्याज को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। इसे हमें 80% तक फ्राई कर लेना है। इसे हमें हाई फ्लेम में ही फ्राई करना है और थोड़ा कच्चा ही रखिएगा। चाइनीज डिशेस में प्याज और कैप्सिकम को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया जाता है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। नमक थोड़ा देख के डालिएगा, क्योंकि हम जो सॉस डालेंगे सॉस में भी नमक होता है। अब हम सारे सॉस डाल देंगे। डालेंगे 1/2 चम्मच सोया सॉस, 1/2 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच टमाटो केचप, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम फ्राई किए हुए अंडे को इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारा सुपर टेस्टी एग चिली बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के इसे सर्व कीजिए, ये अच्छा लगेगा। ये इतना टेस्टी बनता है कि आप बाहर का अंडा चिली खाना छोड़ देंगे। तो देर न करके आप भी इसे अपने घर पर आज ही बनाइए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक नए वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।